जय गणेश देवा, माता जाकी मूस की सवारी, रंग सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा, रेवती चिंता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती को माया, राजन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सफल कीज से समर पयामी। अपने दिखाते बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे से होए, ऐसे घूम गया नहीं ये शायद बाबा के अंतिम लास्ट में ही रहे बनारस में जब भी पूजा हुई ये जब आप कहिएगा आपका पति बात मानेंगे। मात्र क्या क्षेत्र आरती में पहले ले अपनी माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, नमः। सभी को सादर प्रणाम। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और बड़ी खुशी की बात है कि हर साल के भांति इस साल भी हमारे घर बप्पा पधारे, और बड़े सौभाग्य वाले होते हैं लोग जिनको सेवा करने का मौका मिलता है। इतना व्यस्त समय में भी लोग समय निकाल के, पहली बात तो एक ऐसा ये उत्सव है मुंबई में खास करके कि मैंने सबको इन्विटेशन भेजा, और जिसको नहीं भी भेजा वो सामने से मैंने फ़ोन करके लोग बोले कि बप्पा आए क्या, तो सब आशीर्वाद लेने के लिए, सब उनका दर्शन करने के लिए घर पर आ रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है कि एक ऐसा उत्सव जहाँ पर सब लोग मिलजुल के एक साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। और मुंबई में लोग बोलते हैं कि चकाचौंध की नगरी है, यहाँ पे फिल्में बनती है, यहाँ पे मतलब होता है ना पार्टी शार्टी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पूजा पाठ भी बहुत भव्य तरीके से होता है, इसीलिए आज मुंबई इतना खुश है। आज आपने गणपति बप्पा की पूजा की, कितने दिन के लिए गणपति बप्पा को लाए थे? 5 दिन के लिए बप्पा को लाए थे। वैसे तो देखिए हर दिन बप्पा भगवान का होता है, और ये एक बनाया गया कि नहीं इतना दिन आप पूजा कर सकते हैं, अगर बस चले तो 365 दिन में, मेरी मम्मी जो तो 365 दिन पूजा करती हैं, मैं थोड़ा सा आधा दिन क्योंकि शूटिंग में व्यस्तता होती है तो ज़्यादा दिन पूजा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 5 दिन के लिए बप्पा आए थे। और बप्पा हम लोग के दिल में है, बप्पा का आज विसर्जन है, लेकिन एक अजीब सा मन हो रहा है कि नहीं इतना दिन सेवा किए, एक होता है मन से कॉल जला कि रह जाते बप्पा हमारा घर ही, लेकिन अब एक कोई बनावल गिल कि नहीं भाई पूजा पाठ करके इनको विसर्जन करना है, तो आज उनका विसर्जन वाला दिन। हर किसी के साथ बप्पा दे है, आपके साथ कौन सी यादें हो? बहुत सारी यादें हैं। पहली बात तो हम लोग जब पहली बार यहाँ पे आए थे मुंबई में, तो फिल्मों में तो बहुत सारा देखे थे कि गणपति बप्पा का, जैसे कलकत्ता में होता है कि नवरात्रि बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है तो लोग जाते हैं, वैसे ही यहाँ का सुने थे और हम लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे, तो हमारे भोजपुरी के कुछ एक्टर एक्ट्रेस रखे थे, उन लोगों के घर पे गए, हम लोगों ने बप्पा से ही बोला कि बप्पा हमको अपना आवाज़ दीजिए ताकि आपको हम लोग अपने घर पर लाएँ, तो उन्होंने ये बात सुन ली। और एक ऐसी इमोशनल है थोड़ा सा कि मेरे पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम था, उनका ऑपरेशन था और वो ICU में थे, और उसी दिन गणेश चतुर्थी आ गया, तो मेरी मम्मी जी थोड़ा पूजा पाठ में बहुत बहुत ज़्यादा उनका मन लगता है, तो उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए, हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला था, वो हादसा टल गया और तुम्हारे पिताजी सेफ हैं, तो मैं बप्पा को लाऊंगी। तो पापा जी ICU में थे और हम लोगों ने घर पे पूजा पाठ किया था, और जैसे ही पूजा किए हम लोग पंडित जी गए और हॉस्पिटल से फोन आया कि पापा जी ICU से बाहर आ गए। तो ये उनका दिन है, और बोलते ही हैं कि ये दुख हरता है तो ये दुख हर लेते हैं, जो भी दुख बलाएँ आने वाली होती है, मानो कुछ बड़ा होने वाला होता है, दुख मैं बोल रहा हूँ, सुख तो ये देते हैं, ये भगवान का अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, और अगर आप उनको थोड़ा सा मन से किए तो ये बहुत ज़्यादा आपको देते हैं। भगवान के दरबार में बोलते हैं ना कि किसी की झोली खाली नहीं रहती है, तो ये दुख हरते हैं, दुख हर लेते हैं। और आज हम लोग सब लोग खुश हैं, सब पूरा परिवार या जो हमारे दर्शक या हमारे गाने सुनते हैं, गाना सुन के खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भगवान कहीं देने हैं। बता दीजिए आपके कौन कौन आने वाले एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि अपना कल्लू की दुल्हनिया अभिषेक बढ़िया रिलीज हुई थी, आन बन शान रिलीज हुई थी, रेस है, इसके बाद सॉरी यार है, प्यार के देवता है, तो प्यार के देवता का ट्रेलर रिलीज हो चुका है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से, और बहुत जल्द थिएटर में आने वाली है। शादी मुबारक जो कि हो सकता है लास्ट अक्टूबर में रिलीज भी होगी थिएटर में,
तो उम्मीद है, बस निवेदन है, हम लोग तो निवेदन ही कर सकते हैं कि आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए, क्योंकि थिएटर में अब सिनेमा लगने लगे हैं और अच्छे अच्छे सिनेमाज अब बन रही हैं। तो ये नहीं कि हमारी ही, किसी की भी भोजपुरी आर्टिस्टों के बनती है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि थिएटर से लोग दूरी बना है, तो उस दूरी को कम कीजिए और थिएटर में आइए। अब वो लोग कंप्लेन ना रहे कि अच्छा कंटेंट और अच्छा सिनेमा नहीं बना, ये कंप्लेन दूर कर देंगे हम लोग। जाते जाते बप्पा की याद में क्या सुनाना चाहेंगे? आज तो पूरा दुनिया बोल रहा है गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। एक लाइन है बप्पा के लिए, कि विघ्न हरिले सब जाने ला जहनवा, विघ्न हरिले सब जाने ला जहनवा, महान बानी रउआ भोले बाबा के लालनवा, महान बानी रउआ। बप्पा की कृपा ऐसे हमने पे बनल रहो और सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एक साथ रहो, क्या कि बिहार यूपी की पहचान है कि हम भी, मतलब हम बिहार यूपी के लोग एक रहते हैं, चाहे वो एक्टर होकर, चाहे एक्ट्रेस होकर, सिंगर होकर, म्यूजिक डायरेक्टर होकर, सब लोग एक रहें लोग और सब लोग कैसे ही आशीर्वाद बनाए। पापा के कान में आपने कुछ फूंका इस बार? नहीं, हम बोले ना कि वो जान जाते कि हमको क्या चाहिए। हमने के जब जाते रहे शंकर भगवान के, शंकर जी के दर्शन करे विश्वनाथ मंदिर जाए, तो हमारे पापा बताओ तो उनके कान में जा बसा बाबा के बोल दा, वो पहुंचा दिए मैसेज। लेकिन भगवान है, वो जान जाते हैं कि क्या चाहिए। हमारा मानना है कि स्वार्थ बस पूजा नहीं कीजिए। आदमी दुख में होता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है या अपनों को याद करता है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि हमेशा भगवान को याद करते रहिए।